क्या व्यू आ रहा है यार, कितना ब्यूटीफुल है। ये कृष्ण जी की सोने की मूर्ति है और चांदी का सिंहासन है। हेलो एवरीवन, दो दिन बाद है होली, तो आज हम लोग सभी लोग जा रहे हैं होली सेलिब्रेट करने के लिए मथुरा, क्योंकि मथुरा की होली बहुत ज़्यादा फेमस है। तो अभी टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, थोड़ा सा लेट हो गया इसलिए अभी टाइम हो रहा है 11:30 का, इसलिए फटाफट निकलते हैं, पहुँचते हैं मथुरा। मथुरा में हमारा प्लान है वृंदावन और बरसाने दोनों जगह जाने का, देखते हैं वहाँ की होली कैसी होती, क्योंकि वहाँ लठ मार, लड्डू मार और बहुत तरह की होली होती है जो कि कम से कम 5 से 6 दिन चलती है। तो फाइनली अभी हम लोग निकल चुके हैं नोएडा से और अभी आ चुके हैं यमुना एक्सप्रेस वे पे। तो सामने ये है यमुना एक्सप्रेस वे, यहाँ से मथुरा जो दिखा रहा है वो 2 घंटे दिखा रहा है। और सबसे पहले प्लान किया है वृंदावन का, तो वृंदावन जाएंगे, उसके बाद वहाँ पे दर्शन करेंगे, दर्शन करने के बाद फिर अगर आज रात को पॉसिबल हुआ तो, नहीं तो कल जाएंगे बरसाने, वहाँ पर होली कुछ ज़्यादा ही फेमस है तो वो देखेंगे। तो अगर आप लोग चल रहे हैं और आपका ऐसे चलते चलते नेट बंद हो जाए तो आपको क्या करना चाहिए, क्या करना है? यहाँ पे इधर छेद है ना, इसे फूंकते हैं। फूंक दो। कुछ नहीं हुआ। अभी चलेगा। इधर देखो, चल गया। ये पंच की अच्छी बात है, पंच को पता है, यहाँ पे बस फूंक दिया करो, अपने आप इंटरनेट चल जाता है। फिर से फूंक रहा है। क्योंकि वाईफाई इन्होंने बंद कर रखा था। नहीं यार, आपने सही से नहीं फूंका था ना, साइड से फूंका था। हाँ देखो, चल गया। कहाँ जा रहे हो? वृंदावन। हाँ, हम लोग आ गए हैं वृंदावन में और यहाँ पर देखिए यमुना जी, व्यू तो बहुत अच्छा है लेकिन एकदम ब्लैक ब्लैक हो रखे हैं, एकदम ब्लैक। किसी को पानी पीते थे टोटी से जाकर। इसका आज से लगभग 25 साल पहले हम लोग मथुरा में रहते थे, तो मम्मी बता रही है कि तब हम लोग यमुना का पानी पीते थे, वो पानी आता था सप्लाई में। क्या था? साफ था, शुद्ध था। अच्छा, गंदा पानी हो गया है। 20-25 साल में देखो कितना फर्क आ गया है, कुछ चीजें अच्छी हो रही है तो कुछ चीजें बहुत ज्यादा खराब होती जा रही है। फिलहाल अब हम चलते हैं सबसे पहले वृंदावन बांके बिहारी मंदिर। भाई यहाँ पे अच्छी खासी भीड़ हो रखी है और ये है सामने रास्ता, यहाँ पे अभी रोक रखा है। वृंदावन पहुंच जाते हैं हम लोग 3:30 के करीब और उसके बाद शाम को जो गेट खुलते हैं, जो एंट्री होती है वो होती है अप्रॉक्स 5 बजे करीब। इसकी वजह से सारे लोग वहीं पे रोक लिए थे, पुलिस ने बैरिकेडिंग लगा के, और वहां पर इतनी ज़्यादा भीड़ हो रखी थी लेकिन बहुत ज़्यादा मज़े भी हो रहा था। लोग गुलाल एक दूसरे पर फेंक रहे थे और बहुत ज़्यादा अच्छी खासी भीड़ थी, सब राधा रानी और कृष्ण जी के नारे लगा रहे थे। लगभग 1 से 1.5 घंटे वहाँ उस भीड़ में खड़े रहने के बाद भी किसी को भी थकावट महसूस नहीं हो रही थी और सभी लोग फुल जोश में थे राधा रानी और कान्हा जी के दर्शन करने के लिए। बांके बिहारी मंदिर अपने आप में बहुत ही फेमस है, परंतु वहाँ पर जो भीड़ थी, वो जो डे था, वो काफ़ी अपने आप में स्पेशल था, इसीलिए वहाँ पर पुलिस को मैनेज करना काफ़ी मुश्किल हो रहा था, बट समहाउ दे मैनेज। और उसके बाद बचते हैं 5 जब हमको एंट्री मिलती। फाइनली हम लोगों को मौका मिलता है मंदिर के अंदर जाने का, बट यहाँ जाने के बाद नज़ारा ही कम्प्लीटली डिफरेंट था। यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी लेकिन बहुत ही खूबसूरत दर्शन हुए और बहुत ज़्यादा अच्छे से होली खेली जा रही थी, अंदर बहुत ही ज़्यादा अबीर गुलाल उड़ाया जा रहा था। भाई दर्शन करके मैं तो आ गया बाहर, बाकी सब लोग अंदर, बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा क्राउड है, बट होली बहुत अच्छी हो रही है, अंदर लोग इतना बढ़िया से एंजॉय कर रहे हैं, ये देखो। मारने में कोई कष्ट नहीं होगा, बड़े हो जाएंगे तो उनका
हम लगवा रहे थे दूसरी बार ये तिलक, क्योंकि एक बार मंदिर के अंदर जाने के बाद जो कंडीशन थी बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। अब मैं दोबारा से करवा रहा हूँ। हो गए भाई, राधे राधे नहीं लिखोगे? राधे राधे, हाँ अभी दोबारा करवा लिया, थोड़ा सा सही लग रहा है। तो यहाँ जब आप मंदिर से निकलेंगे तो हर जगह आपको इस तरह का मार्केट मिलेगा जहाँ से आप बहुत सारी चीज़ें खरीद सकते हैं पूजा से रिलेटेड। यहाँ पे बहुत सारी शॉप्स बनी हुई, भगवान के कपड़े वगैरह भी मिल रहे हैं और यहाँ पे बहुत ज़्यादा मंदिर भी हैं। सर हम लोग घर जा रहे थे, रास्ते में एक दूसरा मंदिर दिखा, काफ़ी अच्छा था, तो यहाँ पे आ गए हम लोग दर्शन करने के लिए। और यहाँ पे ना डिटेल बताई गई है क्या महाप्रभु झारखंडे पद प्रेम का दान हरे नाम प्रदान। यहाँ पे लिखा हुआ है 5500 वर्ष पुराना इमली का वृक्ष। मैं आपको यहाँ पे पूरा ये जो लिखा हुआ है ये दिखा देता हूँ जिसे आप आराम से पढ़ सकें। इस पेड़ को काटा गया तो इसमें से खून निकलने लगा। इसकी जब चैतन्य महाप्रभु वृंदावन आए ना, मतलब मायापुर में रहते थे, हाँ, तो फिर जब चैतन्य महाप्रभु वृंदावन आए 500 साल वर्ष पहले, यहीं पे आके भजन करते थे अपने, जप करते थे। तो फिर बाद में जब इस वृक्ष को काटा गया तो इसमें से रक्त निकलने लगा, फिर इसको काटना बंद कर दिया, फिर तब से ऐसा है। यहाँ से आगे से कटा हुआ है, इधर का एक दूसरा तना है। तो यहाँ पे ये है परिक्रमा मार्ग जिससे हम जा रहे हैं, तो यहाँ पे इस तरह की परिक्रमा जो है सभी लोग करते हैं। तो यहाँ पे मुझे एक भाई मिले थे, ये यहाँ पे वो जो मंदिर था जो मुझे बता रहे थे वही हैं। सो ये यहाँ पे गुरुकुल में पढ़ते हैं। कहाँ पे पढ़ते हैं भैया आप? भक्ति वेदांत गुरुकुल इंटरनेशनल स्कूल। ये किसका है? इस्कॉन के द्वारा संस्थापित किया गया। अच्छा, इस्कॉन ग्रुप का है। ओके, क्या है वहाँ पे, क्या सिखाते हैं वहाँ पे? दोनों स्पिरिचुअल और मटेरियल दोनों नॉलेज दिया जाता है। मतलब एजुकेशन ICSE बोर्ड से है? ICSE है। और बाकी आध्यात्मिक शिक्षा देते हैं? आध्यात्मिक शिक्षा। ओके, आप रहने वाले कहाँ से? मैं बिहार से। बिहार से, तो कोई भी कहीं से भी आके? अलग अलग जगह से। अलग अलग जगह से सब लोग वहाँ पे पढ़ाई करते हैं? पढ़ाई करते हैं। 12th तक? 12th तक, हाँ 12th तक है। और फिर उसके बाद फिर बाहर जाके अपना हायर स्टडीज कर सकते हैं, जैसे IITs में और अलग अलग यूनिवर्सिटीज में बच्चे ज्वाइन करते हैं यहाँ से। तो IIT वगैरह प्रिपरेशन वहीं कराते हैं? ओके, फिर उसके बाद आप इसको जो आध्यात्मिक नॉलेज लेते हैं उसको आगे प्रोपगेट भी, आप लोगों को रीच करना है, हाँ, तो इन सब में भी आप कर सकते हैं। ओके ओके, आपका नाम क्या है? सीतानंद यादव। अच्छा लगा आपसे मिलके। सो यहाँ पे है निधिवन, अभी हम इधर जाएंगे, लेकिन इससे पहले ये है शाहजी पैलेस, शाहजी महल, इसको देख लेते हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा था देखने में, बहुत अच्छा मार्केट है इधर। सो इसको शाहजी मंदिर या राधा रमण मंदिर कहते हैं। वाह, क्या व्यू आ रहा है यार, कितना ब्यूटीफुल है वृंदावन, बाप रे कितने ज़्यादा मंदिर हैं यहाँ पे। ये देखो वहाँ फ्रूटी चल रही है, यहाँ पर आटे चल रहे हैं। ये है मंदिर, शाहजी मंदिर कहते हैं, ठाकुर जी का मंदिर है ये। भजन कीर्तन हो रहे हैं। ये कृष्ण जी की सोने की मूर्ति है और चांदी का सिंहासन है, इसलिए इसको ठाकुर जी का मंदिर कहते हैं। ये दर्शन करने के बाद हम जाते हैं निधवन के लिए, और निधवन के रहस्य जानने को वहाँ पे मिलते हैं कि क्यों रात को वहाँ पर कृष्ण जी और राधा रानी वहाँ पे रासलीला करते हैं। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। तीन नामों से जाना जाता है, पहला नाम है निधिवन, दूसरा नाम है मधुवन और तीसरा नाम है तुलसीवन। बोलिए वृंदावन धाम की ताली बजाएं, खुशी करें। कहती है जो वृंदावन में हंसता है उसका घर बसता है, जो वृंदावन में रोवे सो अपने नैना खो गए, इसीलिए हंसते रहे। ये जो आप जितने भी पेड़ पौधों के दर्शन कर रहे हो इन्हें कहती है वृंदा तुलसी, जो केवल वृंदावन धाम में पाई जाती और कहीं नहीं पाई जाती। इनकी संख्या 16108 है, जितने की कान्हा जी की गोपियों की संख्या है। ये दिन में वृंदा तुलसी बन जाती है, रात्रि बनती है हमारे कान्हा जी की गोपियाँ, और कान्हा जी के संग ये रास करती है। जो इन्हें देखता या देखने की कोशिश करता है उसकी मृत्यु हो जाती है। मंदिर को 7:30 बजे बंद कर दिया जाता है रात्रि के, पशु पक्षी बंदरों को सभी को बाहर निकाल दिया जाता है। मंदिर की एक खासियत है, नीचे से जो पेड़ है वो सारे सूखे हुए मिलेंगे, ऊपर से सारे हरे भरे मिलेंगे। आपको किसी भी पेड़ के ऊपर एक भी चिड़िया का घोंसला नहीं मिलेगा, क्योंकि ये रोज रात्रि में कान्हा की गोपी बनती है और सुबह से वृक्ष बन जाती है। इस वजह से इन पे आपको एक भी चिड़िया का घोंसला नहीं मिलेगा। बोलिए राधा रानी की ताली बजाए, हंसी करें। राधे राधे, राधे राधे।
क्या लिखवाया आंटी? भरो